आवाम पर एक और महंगाई बम ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा, नई कीमत 130 रुपए हो गई। ओगरा ने गैस निरखों में मजीद इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फीन पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जज्बे खैर सगाली का शानदार मुजाहिरा। वाहगा बॉर्डर पर भारतीय पायलट को पहुंचा दिया गया। अभिनंदन को कुछ देर के बाद भारतीय हुकाम के हवाले किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई ज़मीनों पर हाउसिंग स्कीम बनाने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, एलडीएफ सरान की शिरकत। शहर के फैलाव से नकासी आप, सेहत के मसाइल सामने आ रहे। शहरों में बिल्डिंग्स को लंबाई में बनाया जाएगा, चौड़ाई को कम किया जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हदायत। जेरे जमीन पानी को बचाने का बड़ा मंसूबा मंजूर। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे की मंजूरी दे दी। ट्रीटमेंट प्लांट भीनी गांव में लगाया जाएगा। नहर को भी रिमॉडल करने का प्लान। मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड में ऑडिट का मामला। ऑडिट टीम ने ऑडिट के लिए मजीद 8 रोज मांग लिए। ऑडिट की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। डीसी ऑफिस में 8वीं खुली कचहरी। सालिया सईद कहती हैं कि अवामी मसाइल को हर सतह पर हल किया जाएगा। सालीन की दरख्वास्तों का फॉलोअप रखा जाता है। और गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर ठोकर न्याज बेग में जश्न बहारा फेस्टिवल। असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश करके मेला लूट लिया।